नेक्स्ट टॉपिक्स इज इंसर्शन ऑपरेशन ओवर क्यू. क्यू में हमें इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो केस वन हमारा क्या है, सपोज हमारी क्यू फुल है, ठीक है. सपोज हमारी ये क्यू थी ऑफ साइज 4, तो ये Q0, Q1, Q2, Q3 ये 4 एलिमेंट्स हैं एरे के, जिसमें 10, 20, 30, 40 स्टोर्ड है. फ्रंट मैंने बताया था हमेशा क्या स्टोर करता है, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. तो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट यानी 10 का इंडेक्स क्या है, 0. और रियर क्या स्टोर करता है, इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट. लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 3. तो फ्रंट में 0 है, रियर में 3 है. अब मैंने आपसे कहा इसमें 50 इंसर्ट करो, क्योंकि क्यू 4 साइज की थी, तो इससे ज़्यादा हम स्टोर ही नहीं कर सकते इसमें वैल्यू. तो कैसे पता चलेगा, हमें चेक करना पड़ता है फुल की कंडीशन क्या है. अगर रियर इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1 है, मैक्स मतलब हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ क्यू इज 4, तो 4 माइनस 1 इज 3. क्या रियर 3 पे है? यस, क्योंकि रियर 3 पे पहुंच चुका है, तो क्यू क्या हो चुकी है, फ्लो फुल और ओवरफ्लो. तो हम इसमें फर्दर इंसर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्यू फुल है. सेकेंड केस क्या है, हमारी क्यू फुल नहीं है, क्यू इज़ नॉट फुल. सपोज क्यू एम्प्टी है, तो क्यू एम्प्टी है तो यहाँ पर ये 4 साइज की क्यू है. इनिशियली फ्रंट और रियर कहाँ पे रहता है, -1 पे, क्योंकि क्यू फुल नहीं थी. तो हमने किया रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1. जब भी क्यू एम्प्टी होती है, उसमें स्पेस होता है, तो हम रियर को बढ़ाते हैं. क्यों? क्योंकि इंसर्शन हमेशा रियर साइड से होता है, तो रियर को कर देंगे हम रियर प्लस 1. तो रियर था -1, -1, 0. तो रियर हमारा कहाँ पर आ गया, इनिशियली हमारा कहाँ पर था, -1 पे था. अब रियर हमारा कहाँ पर आ गया, 0 पे, 0 इंडेक्स पे, ठीक है. अब क्या करो, फ्रंट अभी भी -1 पे है, ठीक है. तो अब क्या करो, क्यू के रियर पर जो भी आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है, सपोज मुझे 10 इंसर्ट करनी है, 10 को स्टोर कर दो, 10 स्टोर हो गया. क्या अब ये करेक्ट है, क्या फ्रंट -1 पे ही रहेगा? फ्रंट इक्वल्स टू -1 कब होता है, जब क्यू एम्प्टी होती है. तो क्या क्यू हमारी अभी भी एम्प्टी है? नहीं. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट फ्रंट जो है वो -1 पे है, तो फ्रंट को कहाँ पर ले आओ, 0 पर. क्यों 0 पर ले आओ फ्रंट को? फ्रंट को -1 से हम फ्रंट को 0 पे ले आएंगे. क्यों 0 पे ले आएंगे? क्योंकि इस क्यू का फर्स्ट एलिमेंट भी यही है, लास्ट भी यही है. तो फर्स्ट एलिमेंट 10 है, उसका इंडेक्स 0 है, और लास्ट एलिमेंट भी 10 है, उसका इंडेक्स भी क्या है, 0. तो फ्रंट और रियर दोनों क्या हो जाएंगे, 0. लेकिन सपोज हमारे क्यू में दो एलिमेंट्स होते, तो फ्रंट हमारा कहाँ पर होता है, 0 पे, और रियर हमारा कहाँ पर होता है, 1 इंडेक्स पे, ठीक है. अब मैं आपसे कहती इंसर्ट करो, तो क्योंकि रियर इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1 नहीं है, क्यू हमारी फुल नहीं है, तो क्या करते हैं हमेशा, रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1. जब भी आप डेटा को इंसर्ट करोगे क्यू में, रियर पॉइंटर को मूव करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि इंसर्शन हमेशा रियर साइड से होता है. तो रियर था 1, 1 प्लस 1 2, तो रियर आ गया 2 पर, ठीक है. अब ए ऑफ क्यू ऑफ रियर पर जो भी आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है, सपोज 30 करनी है, तो 30 को स्टोर कर दो. फिर क्या चेक होगा, क्या फ्रंट इक्वल्स टू -1 है क्या? नहीं, फ्रंट तो 0 है. लेकिन अगर यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, जैसे ऐसे हमने देखा था इस केस में, जब हमने रियर को मूव किया था तो फ्रंट -1 पे था, तो हमें फ्रंट को 0 पे करना पड़ा. तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट ऑलरेडी 0 पर है. हम अल्गोरिदम देख लेते हैं कि इसका अल्गोरिदम क्या होगा इंसर्शन ऑपरेशन का. तो अल्गोरिदम, इसका नाम मैंने दिया है इंसर्ट क्यू. हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इंसर्ट क्यू के अंदर. इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए हमें, एक एरे चाहिए होगी, एक क्यू चाहिए होगी, है ना, क्योंकि एरे इम्प्लीमेंटेशन है इसीलिए ए दिया है. फ्रंट पॉइंटर चाहिए होगा, एक फ्रंट वेरिएबल चाहिए होगा, एक रियर वेरिएबल चाहिए होगा, एक मैक्स होगी साइज ऑफ क्यू, और एक्स जो डेटा आपको इंसर्ट करना है. पर्पज़ क्या है इस एल्गोरिदम का, दिस एल्गोरिदम इंसर्ट से वैल्यू इन टू दी क्यू. क्यू में ये वैल्यू को इंसर्ट करेगा. अजम्पशंस क्या है, ए क्या है, अरे ऑफ साइज मैक्स, या कह सकते हो आप क्यू ऑफ साइज मैक्स इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0. 0 से हमने क्यू का इंडेक्स स्टार्ट किया है, जैसे सी सी प्लस प्लस में होता है. फ्रंट क्या है, यूज टू स्टोर इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू. फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स को हम किस में स्टोर करते हैं, फ्रंट में, और लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स को हम किस में स्टोर करते हैं, रियर में. एक्स क्या है, जो आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है क्यू के अंदर, वैल्यू टू बी इंसर्टेड इनटू द क्यू. सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, चेक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इन क्यू. हमें चेक करना होगा क्यू में स्पेस है कि नहीं है. तो हम क्या चेक करेंगे, इफ रियर इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1. मैक्स माइनस 1 मतलब रियर मैक्स माइनस 1 पे कब आता है, जब क्यू फुल होती है. तो हम चेक करें क्या क्यू फुल है, क्या रियर मैक्स माइनस 1 पहुंच गया है, तो क्या प्रिंट कर दो, क्यू ओवरफ्लो या क्यू फुल.
और एग्जिट करो। हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे जब क्यू फुल है, लेकिन क्यू फुल नहीं है तो किसको हम मूव करते हैं, प्लस वन करते हैं रियर को, क्योंकि हमेशा इंसर्शन रियर साइड से होता है। तो इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ रियर बाय वन, तो रियर इक्वल्स टू रियर प्लस वन करेंगे और क्यू के रियर वाले इंडेक्स पे हम एक्स को स्टोर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंसर्ट वैल्यू इंटू क्यू। अब वैल्यू क्यू में स्टोर हो गई, नेक्स्ट क्या चेक करना पड़ेगा, हमें फ्रंट को चेक करना पड़ेगा। अगर फ्रंट इक्वल्स टू माइनस वन है, इफ फ्रंट इक्वल्स टू माइनस वन देन फ्रंट को कहाँ ले आओ, जीरो। और ये कब का वर्क करता है ये वाला स्टेटमेंट, जब आप पहली बार क्यू में इंसर्ट करते हो। अगर क्यू हमारी एम्प्टी है तो फ्रंट माइनस वन पे रहता है, तो हमें फ्रंट को जीरो पे लाना होता है।